पिता के लिए और माता के लिए तो ये प्राउड का क्षण होता है। कोई भी अगर पुत्र कहीं आगे बढ़ता है, समाज में अच्छा कार्य करता है, और जिस बात का हम ज्ञान देते हैं दिन रात कि आप समाज को अच्छा दें, या अच्छे पढ़ें लिखे बच्चे, तो जब ऐसा क्षण आता है जीवन में, तो निश्चित रूप से माता पिता के लिए ये प्राउड मोमेंट होता है। निश्चित रूप से ये उनके परिवार के लिए भी और हमारे पूरे रुड़की शहर के लिए गौरव की बात है कि पंडित आचार्य रजनीश शास्त्री जी के बेटे वासुदेव ने कॉमर्स स्ट्रीम में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जब भी एग्ज़ाम होता था मैं हमेशा उसको बहुत ही सीरियसली लेता था। कभी भी कोई टेस्ट होता था तो उसको भी मैं बहुत सीरियसली लेता था। हेलो, नमस्ते। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी हम पंडित रजनीश शास्त्री जी के यहाँ हैं। देखिए, रुड़की शहर में कल जिस प्रकार से 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद 97% अंक लाकर वासुदेव ने कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे? थैंक यू सर। मैं तो थैंक यू कहूँगा बस सबको। किस तरह की तैयारियाँ किया था आपने? मैंने अपना काम हमेशा पूरा किया था, और जब भी एग्ज़ाम होता था मैं हमेशा उसको बहुत ही सीरियसली लेता था। कभी भी कोई टेस्ट होता था तो उसको भी मैं बहुत सीरियसली लेता था। और कभी भी मैंने पूरी जब से मेरी 12th शुरू हुई थी, मैंने तब से कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक भी दिन मैं आलस वगैरह कर जाऊँ और थोड़ा सा भी ढीला हो जाऊँ। हालांकि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब रही, बट फिर भी मैंने आखिरी में जाकर सब कुछ कवर अप कर लिया, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ रहा था। क्या आगे का क्या प्लान है? आगे का तो मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोचा है, अच्छा, उसके बाद लाइफ में जैसी डायरेक्शन मिलेगी उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे हम। मतलब कौन सा स्ट्रीम लेके क्या पढ़ाई करेंगे आगे? CA का भी सोचा है, या तो अच्छा, फिर MBA करके भी हम आगे कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप बधाई देने आए, किस सिलसिले कैसा लगा सर? मतलब कोई छात्र इतना 97% मार्क्स लाता है तो। निश्चित रूप से ये उनके परिवार के लिए भी और हमारे पूरे रुड़की शहर के लिए गौरव की बात है कि पंडित आचार्य रजनीश शास्त्री जी के बेटे वासुदेव ने कॉमर्स स्ट्रीम में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि आने वाले समय में वो अपने परिवार का, उत्तराखंड का और देश का नाम ऊँचा करेंगे, और जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी रहेंगे वहाँ पर इस देश के प्रति अपनी एक जो भावना है उसको बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इनके माता पिता को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद, उनके संस्कारों के बिना ये संभव नहीं है कि कोई भी बच्चा इतनी ऊंचाइयों तक जाएगा। तो मुझे आशा है कि आगे भी वो बहुत अच्छा करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, आपको तो सबसे पहले बधाई। और क्या कहेंगे, वासुदेव की सफलता के पीछे किस तरह से तैयारी करता था वो दर्शकों से बताएं। धन्यवाद। देखिए, पिता के लिए और माता के लिए तो ये प्राउड का क्षण होता है। कोई भी अगर पुत्र कहीं आगे बढ़ता है, समाज में अच्छा कार्य करता है, और जिस बात का हम ज्ञान देते हैं दिन रात कि आप समाज को अच्छा दें, या अच्छे पढ़ें लिखे बच्चे, तो जब ऐसा क्षण आता है जीवन में, तो निश्चित रूप से माता पिता के लिए ये प्राउड मोमेंट होता है। और उसमें हम भी ऐसा नहीं, हम भी उसी में हैं। मैं भी प्राउड हुआ कि हमारे बच्चे ने अच्छा किया, लेकिन ये सफलता उसकी मेंटेन रहे, बच्चा अपनी उस सफलता को बनाए रखे और सही मार्गदर्शन में आगे चले, सही दिशा की ओर चले, ऐसा प्रयास रहेगा मेरा कि बच्चे को अच्छे डायरेक्शन देने का प्रयास करूँगा। और उससे भी मैं यही कहूँगा कि भाई, आप अच्छे दिशा के साथ बुराइयों से बचते हुए अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और जिसमें लाइन में आप जाना चाहते हैं हमारी तरफ से आप स्वतंत्र हैं, हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अपनी ओर से वासुदेव ने कुछ सुझाव रखा कि किस क्षेत्र में आगे? देखिए, आजकल बच्चे स्वतंत्र हैं, जानते हैं सब कुछ। बस हम केवल बच्चों को इतना समझाते हैं कि वो बच्चा जब बराबर का हो जाता है तो मित्रवत हो जाता है, वो ताड़ना से परे हो जाता है। तो मित्रवत व्यवहार के साथ साथ ही एक पिता के जो भूमिका अभिभावक की होती है वो भी रखनी जरूरी होती है। और कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी, यो बाले न पाठित। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, अच्छी शिक्षा नहीं जाते, वो माता भी शत्रु है, पिता भी बैरी है। तो हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं और प्रयास करते हैं कि बच्चों को समय अनुसार ताड़ना भी दें, मित्रवत व्यवहार भी करें, तो समाज में जो भी बुराइयाँ व्याप्त हैं उन बुराइयों को ग्रहण न करते हुए अच्छी दिशा की ओर चलें, अच्छे व्यक्तित्व बने समाज में, और जो हमारी संस्कृति है उसको भी बना करके रखें, अपने धर्म का पालन करें, जहाँ भी रहें अच्छे रहें और देश और समाज के लिए कुछ करें। और आज हमारे आवास पर श्रीमान मयंक गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, भाई योगेश त्यागी जी आए हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आए, इन्होंने बेटे को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, और निश्चित रूप से जब बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, समाज में बैठा कोई जिम्मेदार व्यक्ति बच्चे को प्रोत्साहन देता है, तो उसके लिए एक संजीवनी की तरह यह कार्य करते हैं, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ। तो मयंक गुप्ता जी ने भी जो आशीष बच्चे को दिया, निश्चित रूप से इसके लिए भी संजीवनी का काम करें। धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों और वीडियोज़ के लिए और जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।